उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर जो चर्चा चल रही है उसमें भाग लेते हुए मैं भी अपने विचार सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इस पर विचार करते समय दो स्थितियों को हमें दृष्टि में रखना होगा। एक दृष्टि यह है कि किस स्थिति से हमारा देश गुजर रहा है, उसमें हमें क्या करना है, और दूसरी दृष्टि यह है कि भविष्य में देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। जब तक इन दोनों दृष्टिकोणों को सामने रखते हुए इस बजट को नहीं जांचेंगे, तब तक हम यह निर्णय नहीं कर पाएंगे कि यह जो बजट हमारे सामने रखा गया है वह देश की दृष्टि से उचित बजट है या नहीं। जब मैं इस समय की स्थिति को देखता हूँ तो मेरे सामने देश की संकटकालीन स्थिति आ जाती है। किस तरह से चीन और पाकिस्तान की तरफ से हमको खतरा है, किस तरह से वे देश पर हमला करना चाहते हैं, और किस तरह से हमारी आपसी एकता को मिटाकर हमको लड़ाकर देश में देशद्रोह फैलाना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ जब मैं पिछले बजट को सामने रखता हूँ तो मुझे यह कहना पड़ता है कि आज का बजट चाहे जिस स्थिति में भी रखा गया हो बहुत सुंदर बजट है। एक ईमानदार कोशिश हमारे वित्त मंत्री महोदय ने इस बजट को तैयार करते समय की है, लेकिन एक राजनीतिज्ञ की दृष्टि से जब मैं देश के भविष्य की ओर देखता हूँ तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं होता है कि कोई विशेष समाधान इस बजट से नहीं निकलता। मैं जिस पार्टी से संबंध रखता हूँ उसका जो उद्देश्य है उसको सामने रखते हुए मैं यह कह सकता हूँ कि जो हमारे सामने आदर्श हैं वे सब आज ही पूरे नहीं हो सकते। हमारे वित्त मंत्री या हमारी सरकार आज ही सब कुछ नहीं कर सकती या स्वर्ग लाकर हमारे सामने खड़ा नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी यह मैं अवश्य देखना चाहता हूँ कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है या नहीं। जिस दिशा में हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं उसे देखकर मुझे निराशा अवश्य होती है। जो प्रस्ताव कांग्रेस अधिवेशन में पास हुआ उसके मूलभूत विचार मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वहाँ हमने यह निश्चय किया था कि वर्तमान पंचवर्षीय योजना खत्म होने तक देश की जनता की ज़रूरत की चीज़ें पूरी कर दी जाएंगी।